थर्ड मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नॉर्टन्स थ्योरम। क्लियर, ये तीन आपका जो सुपरपोजिशन, थेवेनिन और नॉर्टन, आपको तीनों में से एक ना एक के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। क्लियर, तो नॉर्टन्स थ्योरम देखते हैं क्या बोला है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर बायलैटरल सर्किट एलिमेंट्स एंड एक्टिव सोर्सेस कनेक्टेड टू अ गिवन लोड RL। क्लियर, यहां तक उसमें भी सेम है थेवेनिन में। अब इसमें देखिए क्या चेंज आ रहा है। कैन बी सिंपली रिप्लेस बाय अ सिंपल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल करंट सोर्स, वहां जो वोल्टेज सोर्स है यहां पर क्या हो जाएगा, करंट सोर्स, एंड अ सिंपल इंपेडेंस RTH इन पैरेलल विद इट। वहां पर क्या था, सीरीज रेजिस्टेंस मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा था, RTH जो था वो सीरीज में था, यहां पर RTH क्या होगा, पैरेलल में होगा, किसके, करंट सोर्स के, अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द लोड। द करंट IN इज द शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड पाथ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्टन्स करंट। ये इंपॉर्टेंट, IN मतलब बराबर मतलब नॉर्टन्स करंट। क्लियर, द RTH इज द इक्विवेलेंट इंपेडेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क एज व्यूड थ्रू द लोड टर्मिनल्स विद RL रिमूव्ड। बस देखिए थेवेनिन और नॉर्टन में कोई चेंजेस नहीं है, जो वहां पर अपन ITH VTH निकाल देते हैं, यहां पर क्या निकालेंगे, ITH निकालेंगे। क्लियर, बस बाकी सब कुछ वैसे ही सेम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है, करंट भी निकालना है, सब। क्लियर, तो इसके स्टेप्स को देख लेते हैं कैसे अपने को सॉल्व करना है, स्टेप नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करना है। स्टेप वन, शॉर्ट द ब्रांच थ्रू विच द करंट इज टू बी कैलकुलेटेड। यहां भी शॉर्ट कर दीजिए पहले ब्रांच को जिसमें मेरे को करंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर, स्टेप टू, ऑब्टेन द करंट थ्रू दिस शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच यूजिंग एनी वन ऑफ द सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स। दिस विल गिव IN विच इज द नॉर्टन्स करंट। क्लियर, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, IN की वैल्यू, जैसे अपन वहां से VTH निकाल लेते हैं, यहां से अपन IN निकालेंगे जो मेरा नॉर्टन्स करंट है। स्टेप थ्री, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH, ये तो मैंने बताया भी था वहां पर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH एज व्यूड थ्रू द टर्मिनल्स बाय रिमूविंग द ब्रांच रेजिस्टेंस एंड मेकिंग ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस इनएक्टिव। जो जो सोर्सेस है उसको सबको इनएक्टिव कर दूंगा और बस उसमें रेजिस्टेंस जो है उसी को मैं जोड़ूंगा मैं। क्लियर, और उसके अबाउट में क्या करूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RTH को मैं फाइंड आउट करूंगा। स्टेप फोर में इसका इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर लेंगे अपन। तो ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अक्रॉस द टर्मिनल शोइंग अ करंट सोर्स, यहां पर IN, क्लियर, विद द रेजिस्टेंस RTH इन पैरेलल विद इट, मैंने बताया था। और थेवेनिन में क्या था, यहां पर VTH था और इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस था। क्लियर, तो ये मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब स्टेप फाइव में क्या करेंगे, हम जिस ब्रांच के अबाउट करंट का वो निकालना है, रेजिस्टेंस के अबाउट, उसको मैं क्या कर दूंगा, एड कर दूंगा। तो रिकनेक्ट द ब्रांच रेजिस्टेंस, लेट इट बी RL, देन यूजिंग CDR, मैंने आपको बताया करंट डिविजन रूल। क्लियर, देन यूजिंग करंट डिविजन रूल इन पैरेलल सर्किट ऑफ टू रेजिस्टेंसेस करंट थ्रू द ब्रांच कैन बी ऑब्टेंड एज, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा I के लिए, जो क्या है, IN इंटू RTH अपॉन RTH प्लस RL। क्लियर, और ये इसका फाइनल सर्किट ऑब्टेंड होगा। ठीक है,